सत्कर्म करिए, फालतू की बातों को मन में ना लाए, विचार नकारात्मक ना सोचे। नकारात्मक विचार जितना सोचेंगे उतना ज्यादा आपकी तनाव बढ़ेगा, टेंशन बढ़ेगी, तो और बाबा श्याम से दूर होते हुए चले। भजन मंत्र शक्ति, एक प्रार्थना भगवान से। अब सभी श्याम भक्तों को जय श्री श्याम। श्याम भक्तों कैसे हैं हम सभी, उम्मीद करते हैं अच्छे ही होंगे। श्याम भक्तों, अगर हम गलती से यानी कि भूल से एकादशी के दिन चावल खा लें या ऐसी कोई हमसे भूल हो जाए जो हमें नहीं करनी चाहिए थी, जिस प्रकार से मान लीजिए हमने भूल कर दी और आपके समक्ष एक ऐसी वीडियो आ गई जिसमें ये बताया जा रहा है कि आपको इस दिन ये नहीं करना चाहिए था, तो उसको सुनकर आप टेंशन में आ जाते हैं, आपका दिमाग काम करना बंद कर देता है कि हमसे इतनी बड़ी भूल हो गई, अब हम इस भूल का प्रायश्चित किस प्रकार से करें। यानी कि मान लीजिए एकादशी के दिन जिस प्रकार से चावल खाना निषेध होता है, परंतु आप जानते हैं इस देश में, मतलब हमारे भारत देश में और पूरे संसार में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो एकादशी का नाम तो जानते हैं परंतु एकादशी का महत्व नहीं जानते। आज की वीडियो में इसी बात पर चर्चा करेंगे और साथ ही आपको ये बताएंगे कि एकादशी के दिन आपको और क्या काम करने चाहिए। जैसे कि आपने पिछले वीडियो में काफ़ी कुछ जान लिया था कि एकादशी के दिन क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, परंतु आज जो विषय है बिल्कुल अलग है और ऐसे विषय आपको कम ही सुनने को मिलते हैं। तो श्याम भक्तों, सबसे पहले ध्यान में रखिए, एकादशी के दिन हमें कोई भी पत्तेदार सब्जी यानी कि हरी सब्जी, जो पत्ते वाली सब्जी है, वो हमें नहीं खाना चाहिए, क्योंकि इस दिन हरे पत्तेदार सब्जियां जो होती हैं वो मना ही होती, क्योंकि एकादशी का दिन जो होता है सर्वश्रेष्ठ दिन होता है और सबसे अत्यधिक शुभ दिन माना जाता है, भगवान विष्णु को समर्पित है। इस दिन अधिकतर लोग व्रत रखते हैं, यानी कि कहा जाता है कि जो एकादशी का व्रत कर लेता है उसे अपने जीवन में मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो श्याम भक्तों, इस दिन व्रत रखा जाता है, हर किसी की अपनी अपनी मान्यता है, परंतु ये ज़रूरी नहीं है कि आपको व्रत रखना है या नहीं रखना, ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप किस प्रकार से एकादशी व्रत को रखना चाहते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो बीमार वगैरह रहते हैं परंतु वो व्रत वगैरह नहीं कर सकते, परंतु कहते हैं मन में भाव और श्रद्धा हो तो भगवान ऐसे ही प्रसन्न हो जाते हैं। तो श्याम भक्तों, इस दिन आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए कि बहुत सारे लोग एकादशी के दिन, जैसे कि अब देव उठनी एकादशी आने वाली है यानी कि इस दिन बाबा श्याम का जन्मदिन भी मनाया जाएगा, तो बहुत सारे लोग अपने घर को सजाएंगे अलग अलग तरीक़ों से, यानी कि कोई फूलों से सजाएगा, कोई लाइटों से सजाएगा, कोई फूल पत्तियों, पेड़ पौधों के फूल पत्तियों से सजाएगा। तो श्याम भक्तों, इस दिन आपको पेड़ से पत्तियां नहीं तोड़नी है, यानी कि अशोक के पेड़ से अगर आप पत्तियां तोड़कर अपने घर को सजाएंगे तो घर तो सज जाएगा परंतु आप पाप के भागीदार बन जाएंगे, क्योंकि एकादशी के दिन किसी भी पेड़ पौधों की पत्तियों को नहीं तोड़ना चाहिए। ये बात को आप विशेष नोट कर लीजिए। अगर आपको अशोक के पत्ते लाकर घर को सजाना ही है, यानी आम के पत्ते लाकर आपको घर को सजाना ही है, तो एक दिन पहले ही इन पत्तों को तोड़ के रख लें और उसके बाद अपने घर को सजाएं। श्याम भक्तों, जिस प्रकार से आप सभी को पता होगा कि सावन का जब महीना आता है यानी कि शिव जी को प्रसन्न करने के लिए, यानी कि सावन का सोमवार आता है, तो उस दिन बहुत सारे लोग क्या करते हैं, सावन के सोमवार वाले दिन जाकर बेलपत्र तोड़ते हैं पेड़ से, जो कि उन्हें नहीं तोड़ना चाहिए। जिस दिन सोमवार है उस दिन नहीं तोड़ना चाहिए, उससे एक दिन पहले तोड़ के रख लेना चाहिए और सोमवार को महादेव पूजा के बेलपत्र अर्पण करना चाहिए। इसी प्रकार से एकादशी वाले दिन आपको किसी भी पेड़ पौधे की पत्तियों को नहीं तोड़ना चाहिए, यानी कि अगर आपको घर को सजाना है अशोक के पत्तों से, आम के पत्तों से, तो एक दिन पहले ही आप तोड़ के रख लीजिए। इसी प्रकार से तुलसी के पौधों के साथ भी होती है, बहुत सारे लोग एकादशी वाले दिन तुलसी के पत्तों को तोड़कर लाते हैं और भगवान को भोग के रूप में समर्पण करते हैं। ऐसा गलती कभी भी ना करें। तुलसी के पत्ते अगर आपको चाहिए तो एक दिन पहले, यानी कि जो पत्ते गिर गए हों, यानी कि आपके पौधों के नीचे गिरे हुए पत्ते होते हैं, तो उन्हें धोकर आप भगवान को अर्पण कर सकते हैं, परंतु पेड़ में से यानी तुलसी का जो पौधा है उसमें से आपको पत्ते उस दिन नहीं तोड़ने चाहिए एकादशी वाले दिन। हालांकि रविवार वाले दिन, एकादशी वाले दिन, अमावस्या वाले दिन, चतुर्दशी वाले दिन, द्वादशी वाले दिन,
इस दिन आपको तुलसी के पत्तों को नहीं तोड़ना चाहिए और न ही इनमें इस दिन जल देना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि एकादशी वाले दिन तुलसी माता का निर्जला व्रत रहता है और वो विष्णु भगवान के ध्यान में रहती हैं, इसी वजह से तुलसी में इस दिन जल नहीं दिया जाता। बाकी सभी दिन की अपनी अपनी महिमा है, ऐसा शास्त्रों में लिखा गया है, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ। शास्त्र के जो विद्वान होते हैं, विद्वान लोगों का यही मत है कि इस दिन आपको इन बातों को ज़रूर समझना चाहिए और जिनको नहीं पता है उनको इस बारे में बताना चाहिए। देखिए, करने के लिए तो बहुत कुछ काम है। बहुत सारे लोग एकादशी के दिन भी चावल खाते हैं, बहुत सारे लोग एकादशी के दिन भी नॉनवेज खाते हैं, लहसुन प्याज खाते हैं, जिनको पता नहीं है। आपको भी पहले पता नहीं था तो आप खाते ही थे, परंतु जब आपको एकादशी का महत्व पता चला, यानी कि जब आप बाबा श्याम से जुड़े तो आपको एकादशी के बारे में पता चला कि ग्यारस क्या होती है, एकादशी क्या होती है, इसका महत्व क्या होता है। तो जब बाबा के दरबार से जुड़े उसके बाद आपको इस महत्व का पता चला, तो इन विशेष बातों का ध्यान रखें। भगवान की पूजा अगर आप करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, परंतु ये सारी बातें जो हैं छोटी छोटी बातें हमें पता होनी चाहिए, और जो कर रहा है उसे हम सिर्फ बता सकते हैं। देखिए, हमारे हाथ में रोकना तो है नहीं, परंतु सही मार्गदर्शन करना हमारी जिम्मेदारी है। शंभक तो देव उठनी एकादशी वाले दिन बाबा श्याम का जन्मदिन मनाया जाएगा, तो इस दिन आपको विशेष बातों का ध्यान रखें। बाबा श्याम को किस प्रकार से हमें धन्यवाद देना है, बाबा श्याम को किस प्रकार से जन्मदिन की बधाई देनी है। श्याम भक्तों, रात के 12 बजे बहुत सारे लोग केक लेकर बैठ जाएंगे बाबा के समक्ष और वो सोचेंगे कि रात को 12 बजे बाबा को भोग लगाए। तो देखिए, बाबा श्याम का शयन का समय होता है, सोने का समय होता है। घर के मंदिर में आप 12 बजे रात्रि को आप सोच रहे हैं कि यानी कि 22 नवंबर 2023 की रात्रि, मध्य रात्रि यानी कि 23 नवंबर 2023 को बाबा का जन्मदिन है। तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि 22 तारीख की मध्य रात्रि को केक का भोग लगाए, बहुत सारे लोगों का अपना अपना मत है। देखिए, बाबा श्याम कोई मनुष्य नहीं है, साधारण मनुष्य नहीं है जो कि आप रात को 12 बजे उनका भोग लगाएंगे। बाबा श्याम है, भगवान है, वो भगवान की तरह हम उनकी पूजा करते हैं, हम उनके दास हैं, उनकी शरण में हैं। बाबा श्याम का वो विश्राम का समय होता है जब हम रात्रि के समय बाबा श्याम की आरती कर लेते हैं, यानी कि रात्रि समय भोग आरती कर लेते हैं, और जब रात्रि के समय बाबा श्याम को शयन करा देते हैं, उसके बाद शयन कराने के बाद फिर आप 12 बजे केक काटते हो तो ये सही नहीं रहेगा। इसलिए उस दिन बाबा श्याम को केक वगैरह अर्पण करना चाहती हो, मावे मिश्री का केक, तो सुबह का जो पूजा का शुभ मुहूर्त है उस समय आप पूजा पाठ करने के बाद बाबा श्याम को मावे मिश्री का केक अर्पण कर सकते हैं। संध्या का एक शुभ मुहूर्त है जो कि मैं इससे पहले की वीडियो में बता चुका हूँ। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसका लिंक डाल दूंगा, आप उस वीडियो को जाकर देख लीजिए किस समय आपको बाबा श्याम का उस केक को अर्पण कर देना चाहिए। अगर आप संध्या को करते हैं तो संध्या में किस समय तक कर देना चाहिए, अगर सुबह करना चाहते हैं तो सुबह में किस समय तक आपको बाबा श्याम को वो केक अर्पण कर देना चाहिए, यानी कि भोग के रूप में। इसके बाद जब आप केक अर्पण कर देते हैं तो बाबा श्याम को एक सुंदर सा भजन सुनाइए, क्योंकि उस दिन देव उठनी एकादशी है और बाबा श्याम का जन्मदिन है, सबसे बड़ी बात है। देखिए, टीवी और रेडियो में तो हम लोग भजन वगैरह सुनते ही रहते हैं, परंतु जब अपने मुंह से बोलकर बाबा श्याम के समक्ष भजन गाते हैं तो उसका प्रभाव एक अलग होता है, एक सकारात्मक माहौल होता है। आपके घर में उस दिन ऐसा लगना चाहिए कि आप उत्सव मना रहे हैं, आप त्यौहार मना रहे हैं, बाबा श्याम का जन्मदिन मना रहे हैं। अपने घर में दीपक जलाना है। पहले की एक वीडियो में आपको बताया है कि अपने घर में जो दीपक आप जलाएंगे, 5 दीपक आपको भगवान के समक्ष रखना, अपने घर के मंदिर में जलाकर घी का या तेल का जैसा भी आपकी श्रद्धा हो, आप भगवान के समक्ष दीपक जलाइए, 5 दीपक जलाइए। इसके अलावा आप जो दीपक है आप जला सकते हैं। इस प्रकार से हमने मंदिरों में दीपदान किया था, उसी प्रकार से हमें अपने घर में दीपदान करना चाहिए। यानी हमने घर के अपने मंदिर के समक्ष तो 5 दीपक रख ही दिए, इसके साथ साथ जब रात्रि का समय होता है, जब हम पूजा पाठ करते हैं, तो पूजा पाठ करने से पहले आपको दीपक प्रज्वलित कर लेना चाहिए, और दीपक प्रज्वलित करने से पहले आपको
जो बाहर अंधेरा होता है वहाँ पर आपको दीपक जला देने चाहिए। अब आप पूछेंगे कि हमने 5 दीपक तो यहाँ जला दिए, बाहर कितने दीपक जला दें? तो बाहर देखिए, अपनी इच्छा अनुसार दीपक जला दीजिए। आप बाहर अपनी इच्छा अनुसार 21 दीपक जला सकते हैं। अगर आपकी इच्छा 7 दीपक जलाने की है तो 7 जला दीजिए। आपकी अपनी इच्छा अनुसार आप दीपक जला सकते हैं, परंतु घर के मंदिर के बाहर यानी कि वहाँ सिर्फ 5 दीपक ही आपको जला के रखनी है। देव दिवाली होती है, इस दिन देव लोग देवता लोग दिवाली मनाते हैं, क्योंकि इस दिन भगवान विष्णु अपनी निंद्रा से जागते हैं, तो उनके जागने की खुशी में दीप जलाते हैं, प्रज्वलित करते हैं। इसके साथ साथ घंटा और घड़ियाल को भी बजाना चाहिए आपको, यानी कि संध्या के समय जब आप पूजा पाठ करने के लिए बैठते हैं भगवान की, यानी कि विष्णु भगवान की पूजा करते हैं। वैसे तो आप सुबह जब पूजा करेंगे तो आप बधाई दे देंगे उन्हें, विष्णु भगवान को और बाबा श्याम को। 22 तारीख की मध्य रात्रि 12 बजे ही आप बाबा श्याम को जन्मदिन की बधाई दे देंगे, और बाबा श्याम को मन ही मन याद करेंगे उन्हें जन्मदिन की बधाई देने के बाद, क्योंकि रात्रि के समय तो आपने विश्राम करा दिया होगा बाबा श्याम को। और जब एकादशी का त्यौहार शुरू हो जाता है तो संध्या के समय आपको घंटा घड़ियाल बजाते हुए उन्हें प्रणाम करना है, उनका आशीर्वाद लेना है। सुबह आपने पूजा कर ली, सुबह आपने घंटा घड़ियाल बजा लिया, उसके बाद संध्या के समय आपको घंटा घड़ियाल बजाकर भगवान को प्रसन्न करना है। प्रकार से भगवान जागते हैं। तो घंटा घड़ियाल अगर आपके घर में नहीं है तो आप सिर्फ घंटी अगर बजा देते हैं, और घंटी बजाने के साथ साथ भगवान का स्मरण करके उनका मंत्रों का जाप करके ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ये विष्णु भगवान का मंत्र है, इसका जो जाप आपको करना ही चाहिए। साथ में बाबा श्याम का जो मंत्र होता है ओम श्री श्याम देवाय नमः, इस मंत्रों का भी आपको जाप करना चाहिए। कितनी बार करेंगे? 11 बार जाप कर लीजिए, और इस प्रकार से उन्हें प्रणाम करिए। बाबा श्याम का जो चालीसा है उस चालीसा का पाठ करिए, और पाठ करने के बाद आप जो भजन वगैरह गाना चाहते हैं वो भजन वगैरह उन्हें सुनाइए। इस तरह से आप देव उठनी एकादशी को बड़े धूमधाम से अपने घर में मना सकते हैं। देखिए, इस दिन श्याम बाबा के मंदिर में बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, अत्यधिक भीड़ होती है। अगर आप सोच रहे हैं कि दिन के समय में बाबा श्याम के मंदिर जाएंगे तो वहाँ पर आपको दर्शन सही से नहीं होंगे, यानी कि इतनी धक्का मुक्की होगी, यानी कि इतने सारे लोग आते हैं दर्शन करने के लिए, और अगर अपने आप दर्शनों के लिए जा भी रहे हैं तो आपको सावधानी बरतनी चाहिए, यानी अपने साथ कोई भी कीमती सामान लेकर न जाएं, ना गले में कोई चैन पहन के जाएं। बाबा श्याम के भक्तों के बीच में खड़े होकर बाबा श्याम के भक्तों के साथ ही छल कर देते हैं। अपने आप की रक्षा करना आपके हाथ में है। आप जब भीड़ में घुसते हैं तो भीड़ में पता नहीं चलता, क्योंकि आपके हाथ पाँव सब एक दूसरे के बीच में दबे रहते हैं, और जब पीछे से कोई ठेलता है तब आपको समझ में नहीं आता कि किधर जाएं, क्या करें। ऐसे भीड़ में जाना खतरनाक भी हो सकता है, क्योंकि ऐसे भीड़ में कभी कभार भगदड़ भी हो जाती है। तो श्याम भक्तों, आपको इन बातों का विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि आपका घर में कोई इंतज़ार कर रहा है तो आपको इस हिसाब से ऐसा काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि बाबा श्याम ये नहीं कहते कि अपने आप को कष्ट देकर तकलीफ देकर भीड़ में धक्का मुक्की खाकर आप बाबा श्याम के दर्शन करें। अगर आपके मन में कहीं से इस प्रकार से डर है कि हम बाबा श्याम के मंदिर नहीं गए, बाबा श्याम हमसे नाराज़ हो जाएंगे, हमसे गुस्सा हो जाएंगे, हम पे अपनी कृपा नहीं करेंगे, तो ऐसी कोई बात नहीं है। बाबा श्याम के दर्शन अगर आप घर बैठे बैठे इस वीडियो के जरिए भी अगर बाबा श्याम से अरदास लगाते हैं, अर्जी लगाते हैं और बाबा श्याम का ध्यान करते हैं, बाबा श्याम की जन्मदिन की बधाइयाँ देते हैं, तो बाबा श्याम की असीम कृपा आपके ऊपर बनती है, होती है। भीड़ भाड़ से बचिए श्याम भक्तों, बाबा श्याम का जन्मदिन है, उत्सव का दिन है। अगर बाबा श्याम के दर्शन दूर से ही मिल जाए, दूर से भी कर सकते हैं। हम देव उठनी एकादशी वाले दिन यानी कि उस दिन बाबा श्याम के द्वार जाने की कोशिश करेंगे, और अगर अत्यधिक भीड़ होगी तो मंदिर के बाहर से ही बाबा श्याम को प्रणाम कर लेंगे और बाबा श्याम का ध्यान कर लेंगे, और अगर हो सके तो हम अगले दिन जा सकते हैं, उससे अगले दिन यानी कि द्वादशी वाले दिन बाबा श्याम के दर्शन करने जा सकते हैं। क्योंकि बाकी सब लोगों ने तो भीड़ में दर्शन किए, और जब हम बाबा श्याम से द्वादशी के दिन मिलेंगे तो बाबा श्याम जरूर बातों को सुनेंगे। तो श्याम भक्तों, इन विशेष बातों का ध्यान में रखें, और साथ ही मैं आपको अपनी कहानी बता देता हूँ। हमने भी बाबा श्याम के दर्शन किए,
बाबा श्याम के जब दर्शन किए तो दर्शन करने के बाद हमें याद नहीं रहा, हमने सोचा चलो बाबा श्याम के भव्य दर्शन हो गए। और दर्शन करने के पश्चात हम चलते रहे, रास्ते में एक गुरुद्वारा आया, गुरुद्वारे पे हम ठहरे, वहाँ उतरे और वहाँ हमने सोचा गुरुदेव के दर्शन कर ले। गुरुद्वारे में हमने माथा टेका, माथा टेकने के बाद आप सभी जानते हैं वहाँ पे लंगर वगैरह चलता रहता है ऑल टाइम। बहुत सारे गुरुद्वारे ऐसे होते हैं जिसमें 24 घंटे का लंगर चलता है, तो वहाँ पर हमने सोचा कि प्रसाद ले लेते हैं, लंगर तो प्रसाद ही होता है, तो वहाँ पर बैठ के और बहुत ही शांति का माहौल होता है। तो एकादशी वाला दिन था, उस दिन हमने कहा चलो इस दिन प्रसाद लेकर ही चले। और वहाँ पर हलवा की जो प्रसाद मिलता है, आटे की हलवे की जो प्रसाद होती है, बहुत ही सुंदर और स्वादिष्ट होती है वो प्रसाद, वो तो हमने ले लिया। उसके साथ किसी ने हमसे कहा कि वहाँ से आप प्रसाद भी ग्रहण कर लीजिए, हमने कहा चलिए प्रसाद ले लेते हैं। वहाँ गए, वहाँ बैठकर हमने देखा लाइन में बहुत सारे लोग बैठे हुए प्रसाद वगैरह ले रहे थे, तो हमने भी वहाँ प्रसाद ले लिया। और हमारे दिमाग में ये नहीं रहा कि उस दिन एकादशी है, परंतु भगवान का प्रसाद है, भगवान किस रूप में देंगे ये कोई नहीं जानता। अब वहाँ बैठने के बाद प्रसाद यानी कि थाली में प्रसाद वगैरह हमें मिला, प्रसाद मतलब वहाँ पर रोटी चावल सब्जी और जो होता है लंगर में वो चीज़ें हमें वहाँ पे मिली। परंतु वो मिलने के बाद क्या हुआ, अचानक हमने वो जब प्रसाद खा लिया, वो खाकर बाहर निकले, तब हमें ध्यान आया कि आज एकादशी का दिन है और एकादशी के दिन हमने चावल को ग्रहण कर लिया। तो श्याम भक्तों, क्या अगर इस तरह से अगर हमसे गलती हो जाए या भूल हो जाए तो क्या हम बाबा श्याम हमें क्षमा करेंगे या हम पाप के भागीदार बनेंगे? तो आप सभी को बता दूं कि अगर हमें जब पता नहीं होता, अगर हमारे दिमाग से उतर जाता है या हम अनजाने में कोई भूल करते हैं और हमें उसके बारे में पता नहीं होता, तो वो बाबा श्याम क्षमा करते हैं। भगवान से अगर हम क्षमा याचना करते हैं, भगवान को अरदास लगाते हैं, तो वो क्षमा तुल्य होता है। और भगवान से क्षमा याचना अगर करते हैं तो भगवान हमें क्षमा जरूर कर देते हैं। श्याम भक्त गुरुद्वारे में तो वो प्रसाद था, खैर तो प्रसाद हमने लिया और वो भी अनजाने में, हमें ध्यान नहीं रहा कि उस दिन चावल नहीं खाते हैं, परंतु प्रसाद तो प्रसाद ही होता है ऐसा मन में सोचा और बाबा श्याम से क्षमा याचना की कि बाबा श्याम अगर हमसे कोई भूल हुई हो तो आप हमें क्षमा करें, तो बाबा श्याम की कृपा बनी रहती है। बाकी देखिए, हमने क्षमा याचना कर ली और ये आज की बात नहीं है, काफ़ी टाइम पुरानी बात है जो मैं आपको बता रहा हूँ, काफ़ी समय पहले की बात हुई। तो इस तरह से हमने भगवान से क्षमा याचना की। देखिए, अनजाने में हुई गलती वो आप क्षमा मांगते हैं, परंतु अगर आप उस चीज़ को जानबूझ के करते हैं तो वो क्षमा तुल्य नहीं होती है और बाबा श्याम उस पर अपनी मोहर नहीं लगाते हैं, यानी आप आपके भागीदार बनते हैं। तो श्याम भक्त, होपफुली आपको बात समझ में आ गई होगी कि अनजाने में हुई गलतियों के बारे में इतना न सोचें। अब जो आप अच्छा करेंगे तो बाबा श्याम आपके ऊपर अपनी कृपा दया दृष्टि बना के रखेंगे। तो अच्छे काम करिए, सत्कर्म करिए, फालतू की बातों को मन में ना लाएं, विचार नकारात्मक ना सोचें। नकारात्मक विचार जितना सोचेंगे उतना ज़्यादा आपकी तनाव बढ़ेगा, टेंशन बढ़ेगी, तो और बाबा श्याम से दूर होते हुए चले जाएंगे। श्याम भक्तों, देवउठनी एकादशी वाले दिन सही से बाबा श्याम का जन्मदिन मनाएं, बाबा श्याम को धन्यवाद करें और बाबा श्याम का आशीर्वाद प्राप्त करें। अगर आपको वीडियो से रिलेटेड कोई प्रश्न जानना है तो आप हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से पूछ सकते हैं। होपफुली आपको पूरी बात समझ में आई होगी। ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए इस चैनल के साथ बने रहें। आप सभी श्याम भक्तों को जय श्री श्याम।